अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत का नए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हाउसिंग के लिए 6 बिलियन डॉलर देने का वादा। ट्रूडो का कहना है कि हम इस मुल्क में तेज़ी से मजीद घरों की तामीर का चैलेंज ले रहे हैं। मनसूबा उन सूबों और इलाकों के लिए काबिल रसाई होगा जो बाज़ शराइत पर मुत्तफिक हैं। कनाडा की इसराइल के हाथों इमदादी कारकुनों की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। ट्रूडो का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जॉली ने कहा है कि वो फिजाई हमले से खौफजदा हैं। टोरंटो में तेज़ हवाओं और बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बुध के आखिर से जुमरात तक गीली बर्फबारी का इम्कान। इन्वायरमेंट कैनेडा की 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग। रूस का अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर गौर। रूस का कहना है कि तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेमलिन के तर्जुमान ने बताया कि चंद मसाइल पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत कैनेडा के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए अरबों डॉलर की नई रकम देने का वादा कर रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत कैनेडा के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए अरबों डॉलर की नई रकम देने का वादा कर रही है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर सिर्फ उन सूबों और इलाकों के लिए काबिल रसाई होगी जो बाज़ शराइत पर मुत्तफिक है। डार्टमाउथ एनएस में खिताब करते हुए ट्रूडो ने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत 6 बिलियन डॉलर का नया कैनेडा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तश्कील दे रही है। उन्होंने कहा, हम इस मुल्क में तेज़ी से मजीद घरों की तामीर का चैलेंज ले रहे हैं। इस तरह हम इसे नौजवान नस्लों के लिए बेहतर बनाएंगे जो महसूस करते हैं कि वो पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि रिहाइश के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। ये रकम पानी, गंदे पानी, तूफ़ानी पानी और ठोस फजले के बुनियादी ढांचे की तामीर और अपग्रेडिंग के लिए वक्फ की जाएगी, जो कुछ शहरों ने कहा है कि मजीद मकानात की तामीर के लिए अहम है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा कि फ़ंड में 6 बिलियन डॉलर में से 1 बिलियन डॉलर बराह रास्त म्यूनसिपलिटीज़ को फौरी बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात के लिए जाएंगे। दीगर 5 बिलियन डॉलर सूबों और इलाकों के लिए मुख्तस किए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में रकम तक रसाई हासिल कर सकते हैं जब वो कुछ वादे करें। इनमें डुप्लेक्सेस, ट्रिप्लेक्सेस, टाउन हाउसेस और मल्टी यूनिट इमारतों समेत मजीद गुमशुदा दरमियानी घरों की इजाज़त देना और 3 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों के लिए तरक्याती चार्जेस पर 3 साल के लिए रोक लगाना शामिल है। कनाडा ने गजा की पट्टी में अशद ज़रूरत की खुराक पहुंचाने की कोशिश करने वाले 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने गजा की पट्टी में अशद ज़रूरत की खुराक पहुंचाने की कोशिश करने वाले 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए अमरीका, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद इत्तेहादियों के मुतालबे में शमूलियत इख्तियार की। दोहरी शहरियत वाले कैनेडियन नजात अमरीकी शहरी समेत कारकुनान पीर की रात वस्ती गजा के दीर अल बलह में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के गोदाम से निकलने वाले काफिले में थे। उन्होंने कब्रस से कश्ती के जरिए 100 टन खाना पहुंचाया था। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने दोहरी कैनेडियन अमरीकी शहरी की शनाख्त 33 साल जैकब फ्लिंगर के तौर पर की है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस बारे में वजाहत की जरूरत है कि ये कैसे हुआ
उन्होंने जंगबंदी की कॉल को दोहराया ताकि मजीद इमदादी कारकुन खतरे में ना हो क्योंकि वो गजा में जमीन पर मसाइब का जवाब देने की कोशिश करते हैं। कनाडा के वजीर खारजा मिलानी जूली ने कहा कि वो फिजाई हमले से खौफजदा हैं। उसके दफ्तर ने कहा कि दोपहर के आखिर तक उसका अपने इजरायली हम मनसब से राबता नहीं हुआ था। जूली का कहना था कि हम उन हमलों की मुज़म्मत करते हैं और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कनाडा को इन हलाकतों के लिए मुकम्मल एहतसाब की तवक्को है और हम इससे बराह रास्त इजरायली हुकूमत को आगाह करेंगे। टोरंटो में मौसम बहार के तूफान के सबब तेज हवाओं और बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम बहार के तूफान के सबब टोरंटो में तेज हवाओं और बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि कुछ इलाकों में हवाएं 80 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा हो सकती हैं। मौसम बहार का तूफान मंगल की रात टोरंटो में मजीद पेशगोई के साथ तेज हवाएं और कुछ बारिश लेकर आया है। एनवायरमेंट कनाडा ने मंगल को पहले बयान जारी किया, कहा कि कोलोराडो में 25 से 50 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। मंगल की शाम से शुरू होकर बुध को जारी रहेगी। एजेंसी ने कहा बारिश बुध के आखिर में बर्फ में तब्दील हो जाएगी क्योंकि दर्जा हरारत ठंडा हो जाएगा, अगरचे काबिले जिक्र मिकदार की तवक्को नहीं है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि बुध के आखिर से जुमेरात तक गीली बर्फबारी का इम्कान है। कुछ इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा तेज हवाओं के साथ तेज मशरकी हवाएं भी मंगल की शाम की पेशगोई में थी। मौसम का एक खास बयान बरकरार है क्योंकि टोरंटो में मजीद तेज बारिश, मुमकिन गीली बर्फ और ताकतवर हवाएं बुध तक जारी रहने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो पूरे दिन में 25 से 40 मिलीमीटर के दरमियान बारिश देख सकता है। इतनी ही मिकदार शुमाल में कॉटेज कंट्री की तरफ है। बुध के रोज तेज हवाओं के नतीजे में दरख्तों को नुकसान पहुंच सकता है और बिजली की बंदिश हो सकती है। एनवायरमेंट कनाडा ने 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग दी है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक वाटरलो और ऑरेंज वेल जैसे इलाकों में सुबह तक 5 से 15 सेंटीमीटर गीली बर्फ पड़ सकती है। रूस ने कहा है कि तालिबान रहनुमाओं के साथ अहम मुज़ाकरात हो चुके हैं और तालिबान को कालादम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। रूस अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर गौर कर रहा है। रूस ने कहा कि तालिबान रहनुमाओं के साथ अहम मुज़ाकरात हो चुके हैं और तालिबान को कालादम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए काम कर रहे हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि ये एक ऐसा मुल्क है जो हमारे करीब है और उनके साथ बराह रास्त या दीगर ज़राए से राबता है। क्रेमलिन तर्जुमान के मुताबिक अफगान तालिबान के साथ अहम मामलात पर बातचीत की ज़रूरत है, अहम मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तालिबान अफगानिस्तान में डिफेक्टिव अथॉरिटी हैं। तर्जुमान का कहना है कि तालिबान को कालादम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर काम कर रहे हैं। इस मामले पर रूस की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि हतमी फैसला मुल्क की आला सियासी क्यादत करेगी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Precise information.